सरकारी बंदी के दौरान अवैध रूप से शराब बेचते हुए एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 8 पीएम के 78 पाउच व आईबी के 55 शीशी लगभग 25 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान मोनू शर्मा पुत्र महेंद्र शर्मा निवासी बिष्णुपुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने बताया कि बंदी के दौरान चोरी से शराब की बिक्री की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर बांसगांव थाने की पुलिस टीम ने एक आरोपी को अंग्रेजी शराब के साथ आकाश बैटरी वर्कर्स शॉप कौड़ी राम के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कौड़ी राम चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला, आरक्षी सुनील यादव, मोहम्मद सद्दाम, फिरोज अंसारी, वाल्मीकि प्रसाद गौड़ शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने कहा, चले जा हमारे प्रभावित ये चौकी कौड़ी राम का मामला है। और कल के दिन नशीली शराब की में ऊपर से पाबंदी थी और ये जो अभियुक्त हैं ये अपनी ही दुकान से उसमें वहाँ अंग्रेजी की शराब बेच रहे थे, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया। 8 पीएम ब्रांड की ये शराब बेच रहे थे जो किसी भी रूप से वो अधिकृत नहीं थे। एक तो ये गिरफ्तारी हुई है, दूसरी बताएं और कोई प्रश्न आपका? सर, क्या ये जो जिनका ठेका है उनके द्वारा ही बंदी के दिन को शराब बेचा जा रहा था तो उनके लाइसेंस के तहत कोई कार्रवाई कराई जाएगी? ये वैधानिक कार्रवाई है, जो फैक्ट्स आएंगे उसमें उसकी अग्रिम कार्रवाई उसके अनुरूप देखा जाएगा।